गुड मॉर्निंग जय भीम दोस्तों। जैसे लास्ट व्लॉग में देखा आपने कि रात के 2:30 बज गए थे सोने के लिए, और अभी सुबह के 5 बज गए, मतलब से मैं 2.5 घंटा ही सोया हूँ। और अभी हम पापा मम्मी को छोड़ने जा रहे स्टेशन, वो जा रहे नागपुर कुछ काम से, तो बने रहे इस व्लॉग में। दोस्तों जब भी हमने पापा मम्मी को स्टेशन छोड़ दिए थे और अभी सो के उठा मैं 12 बजे, और अभी जाना है ताई के इधर जूस लेके, क्योंकि उनके यहाँ कोई है नहीं, उनके यहाँ सब बाहर गए हैं। तो अभी सबसे पहले हम कार धोएंगे, फिर कार से उधर ही जाएंगे दोस्तों। तो अभी हम निकल रहे हैं जूस लेने के लिए, वहां से जाएंगे हम ताई के इधर, तो बने गाइस। ये हमारा जूस बन गया है, अनार जूस, और ले जाने वाले हम विनय भैया के लिए, और जूस फैक्ट्री है गोंदिया में, जूस के लिए सबसे बेस्ट शॉप है ये। दोस्तों आ गए हम ताई के यहाँ। ताई का नया घर है, पुराना घर है। ताई के भाई है प्रणय, छोटे वाले भाई है, इनके लिए लड़की देखना है। और अभी ये सो रहे हैं बेचारे, इनके कज़न ब्रदर के लिए लड़की देखने गए, अभी आएंगे शाम तक, फिर जाएंगे मूवी जयंती देखने। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ गोल्ड सिनेमा में, और यहाँ पे जो जयंती मूवी का जैसे आप बैनर देख रहे, जयंती लोकान चहक्का चसन। हाँ तो अभी हम अंदर जाएंगे, एक गुड सिनेमा है दोस्तों, आफ्टर कोरोना 1.5 साल बाद ये चालू हुआ है, और अच्छा है। अरे अपना नंबर क्या है, नंबर तो देखो टिकट पे। दोस्तों अभी हम इंटरवल हुआ है, इंटरवल से आए भी बाहर, और मूवी देख के बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड लग रही है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि एकदम अंदर से बाबा साहब जो शिवाजी महाराज के जो विचार है वो इस मूवी से बहुत दिखाया जा रहा है। दोस्तों इस मूवी में इस तरीके से अभी दिखाया गया इंटरवल तक कि जो शिवाजी महाराज और बाबा साहब को जो जैसे मानने वाले लोग हैं, जो दिखाते कि हम उनका लुक फॉलो करते हैं बट उनको हम आइडिया को फॉलो नहीं करते। डिटेल्स कैसी लगी आपको मूवी अभी इंटरवल में? अभी इंटरवल तक के हमने जो मूवी देखी, उस मूवी में हमको ये समझ में आया कि महापुरुषों की जो विचार है वो किसी एक जाति तक ही सीमित नहीं होते हैं, और इन विचारों को हमें भिन्न भिन्न प्रकार से हर समाज के लोगों तक पहुंचाना है, ये यहाँ से हमें सीख मिलती है। लेकिन अभी आधी मूवी बची है, उसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं कि हमको ऑल ओवर मूवी कैसी लगी। अभी इंटरवल जस्ट हुआ है, जो इधर से पहले का जो पार्ट था से तो बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है कि नेक्स्ट फाइव डेज और ऐसे ही मूवी से आज हमारे समाज को संबोधन करने के लिए जो मैसेज जा रहा है इस मूवी से, मुझे लगता है कि जय हिंद जो पिक्चर रिलीज हुई उसी के सिक्वल में ये हो सकता है। अभी हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस पिक्चर को कैसा हम सक्सेसफुल बनाते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ में रहें, हमारा पूरा परिवार अपने आया हुआ है, और इस पिक्चर को हिट करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रोड्यूसर, जिसने इतनी अच्छी पिक्चर आपने बनाई, थैंक यू सो मच। Thank you.
और नाम जयंती है, तो यह भी बताया गया कि जयंती किसी भी महापुरुषों की जो होती है वो विचारों को स्टैब्लिशमेंट करने के बाद ही वही सही सच्ची जयंती है। और ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों ने अगर वो देखते तो वो अपनी अपनी समीक्षा अपनी अपनी रिव्यू जो है अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं। काफ़ी भी काफ़ी सारे मैसेजेस संदीप भाऊ आपको बोलना है, ऐसा मत लिया ऐसा चीज़। साथ ही जानते हैं हमारे द थिंग की जो चीफ एडिटर है संदीप भाऊ, सर आपको ये मूवी कैसे लगी? मूवी बहुत अच्छी थी, सामाजिक भाईचारे का मैसेज इस मूवी से दिया गया है और महापुरुषों की जो जयंती है हमने कैसे मनाना चाहिए, किस तरीके से मनाना चाहिए, आजकल जो जयंती मनाई जाती है उस तरीके से अगर हम मनाएंगे तो महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। अगर हम उनकी मूवी उनकी जो जयंती है वो उनका उन्होंने जो संदेश दिए थे, उन्होंने जो उद्देश्य हम हमारे लिए निर्धारित किए थे उस उद्देश्य के प्रति हम कितने बढ़ते हैं, अगर वो जयंती में हम अगर उसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो सही से जयंती होगी, सही में जयंती होगी उनकी। ताई मुझे ऐसा लगता है कि एक खास जो मैसेज है मैं ये देना चाहूँगी कि तमाम महापुरुषों को उन्होंने एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया वो बहुत खूबसूरत है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार के हम हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं, हाथों में धागे बांधते हैं अलग अलग अंधश्रद्धा को लेकर, उस चीज़ को भी उन्होंने छूने की कोशिश की है। मतलब एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी को के साथ साथ बहुत छोटी छोटी बात को भी बताने की कोशिश की है। और एक OBC कैरेक्टर जो है वो पात्र जब समाज को बताता है तो बाबा साहब बताता है, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन बुक हमको दिखती है, गोविंद पानसरे इनकी शिवाजी कौन होता इन किताबों को हमको देखने को मिल रहा है, धनंजय कीर की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो ये तमाम चीज़ें सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले इनका भी संघर्ष उन्होंने वर्णन करने की कोशिश की, मतलब ओवरऑल हर चीज़ को छूने की कोशिश की है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अभी हम गोंदिया स्टेशन में आए हैं पप्पा मम्मी को लाने और यहाँ से हम घर ले जाएंगे और फिर खाना वगैरह खाएंगे, फिर रात को मैं आपको मूवी का रिव्यू दूंगा क्योंकि मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए उसके लिए बताने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो जयंती जैसे 19 फरवरी और 14 अप्रैल को होती है, तो हम लोग नाच गाच के पैसे जमा करके सेलिब्रेट करते हैं, तो हमें जयंती वैसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, हमें महापुरुषों को सिर्फ नाम या जयंती तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। मैंने तो देखा कि कई कई लोग जो है वो ड्रिंक करके भी जयंती को सेलिब्रेट करते हैं, तो जैसे जय भीम मूवी की जो थीम है, जो वहाँ पे बाबा साहब के द्वारा जो कानून है उसके द्वारा जो आदिवासी लोग हैं उनको जैसे न्याय दिया जाता है, जो वहाँ के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने वहाँ जो वर्क किए, वैसे जो जयंती मूवी है ये भी हमें मूवी देखनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टर्स ने इस पर भी बहुत काम किया, जैसे शिवाजी महाराज और बाबा साहब इनके जो विचार है वो विचार को हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी विकास होगा और हमारा भी विकास होगा, क्योंकि हमें बाबा साहब को सिर्फ और ना शिवाजी महाराज को ना हमें जाति तक रखना है और ना ही हमें उनको सिर्फ जयंती तक रखना है, हमें बाबा साहब और शिवाजी महाराज के विचारों को पढ़ के एक नया राज्य डेवलप करना, जो शिवाजी महाराज और बाबा साहब की आने वाली अभी जितनी भी जयंती है हमें तब नाच के नहीं, हमें उस दिन पढ़ के और उन्हें पढ़ के उनके विचारों को पढ़ के ही सेलिब्रेट करनी चाहिए। तब से जयंती मूवी को बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत चले टॉकीज में और जय भीम जय शिवराय। एक नए व्लॉग में और मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करिए ना भूले, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भीम।